अब गाइस इसका मतलब क्या होता है ईटीएफ? सी, ईटीएफ रिफर्स टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें प्रीलिम्स इकोनॉमी सेक्शन के हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, इन डेप्थ जा करके जो टॉपिक्स पूछे गए हैं हमारे इस बार के 2024 के प्रीलिम्स इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उन टॉपिक्स का हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे थे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ईटीएफ, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था हमारे प्रीलिम्स में। सो ईटीएफ, अब गाइस इसका मतलब क्या होता है ईटीएफ? सी, ईटीएफ रिफर्स टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको बता दूंगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, अब देखिए इसमें और म्यूचुअल फंड में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, और वो सिमिलैरिटी क्या है कि देखिए इसकी वर्किंग पहले समझ लीजिए। इसमें होता क्या है, आपकी एक बकेट होती है, ठीक है। अब इस बकेट में क्या करते हैं, अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज, ठीक है, आपके स्टॉक्स, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल एसेट्स, ये आपके इस बकेट में लिए जाते हैं, ठीक है। एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज होती है, ठीक है। अब जरा मेरी बात समझिएगा, ये जो सिक्योरिटीज इसमें आ रही हैं, अब जरूरी नहीं है हर इन्वेस्टर ने हर तरह की सिक्योरिटी ली हो, ठीक है। तो पहली चीज तो जो सिक्योरिटीज इसमें आ रही हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज करे गए हैं, ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अगर गोल्ड के बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स परचेज किए गए तो वो गोल्ड का जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ईटीएफ में म्यूचुअल फंड्स भी खरीदे जाते हैं, ईटीएफ में म्यूचुअल फंड्स भी खरीदे जाते हैं। तो ऑल दीज, जो ये सारे एसेट्स हैं, इनकी डेवलपमेंट इंडेक्स बेस्ड होती है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ये फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इन फंड्स को, क्योंकि ये इंडेक्स बेस्ड हैं, तो इनको पैसिवली मैनेज किया जाता है। जो ईटीएफ मैनेजर्स होते हैं, जो फंड मैनेज करेंगे, वो इसमें इतनी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो इसको पैसिवली मैनेज करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। और ईटीएफ में जो एसेट्स हैं वो आप मार्केट आवर्स में, ठीक है, जब स्टॉक मार्केट ओपन है, तो कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। तो एसेट्स कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। तो मार्केट आवर्स में आप किसी भी एसेट को बाय कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई ईटीएफ की बात। तो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, ठीक है, और इसमें अलग अलग लोग अपना पैसा डालते हैं, लोगों का ही पैसा होता है ऑब्वियसली, ठीक है। एक फंड है, उसमें लोगों ने पैसा डाला, अलग अलग तरह के फंड्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, ठीक है, इसमें भी अलग अलग तरह के फंड्स हो सकते हैं। तो इट इज एक्चुअली, या आप एक बात और इसमें नोट कर लेंगे, दैट इट इज एक्चुअली या पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ, ओके। अब देखिए बात को समझिए जी, जो कि पैसिवली मैनेज्ड होता है। अब बात आती है, सर म्यूचुअल फंड भी तो ऐसा है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? देखिए ईटीएफ को आप मार्केट आवर्स में ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को आप ऐसा नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड को जब मार्केट आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, वंस इन अ डे, एट द एंड ऑफ द डे बोला जाता है, तब म्यूचुअल फंड को परचेज किया जा सकता है, नॉट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। आप उसको स्टॉक की तरह ट्रेड नहीं कर सकते, ईटीएफ को कर सकते हो, समझ रहे हैं आप बात को। वो तो बस जब एंड हुआ, एट द एंड ऑफ द डे, तब आप परचेज या सेल कर दो, ये पूरे टाइम एक्टिव रहता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, म्यूचुअल फंड्स आर एक्टिवली मैनेज्ड, ये पैसिवली मैनेज्ड नहीं होते हैं, ये एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स थे ईटीएफ से रिलेटेड, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।